श्वेत पत्र लौटा है देश के वीआईपी चुनाव क्षेत्र अमेठी में। सीट तो वीआईपी है लेकिन क्षेत्र की हकीकत हमें जुबां से बयां करने की जरूरत ही नहीं। हम लौटे इसलिए हैं क्योंकि अभी तक तो यहां पर कुमार विश्वास और उनके सामने राहुल गांधी थे, लेकिन अब स्मृति ईरानी के आने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाता है। और लोग ये सोच रहे हैं कि उम्मीदवार अगर बड़े बड़े आ रहे हैं तो क्या बड़ी बड़ी उम्मीदें पालना गलत होगा। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी, उत्तर प्रदेश की राजभूमि का दर्जा अमेठी को मिला गांधी परिवार से। राहुल गांधी दो बार से अमेठी में जीत रहे हैं, लेकिन इस बार अमेठी के अजेय मैदान में राहुल गांधी से टकरा रही हैं टीवी की चहेती बहू। क्योंकि सास भी कभी बहू से स्मृति ईरानी के नाम का ऐलान हुआ तो सत्ता में राहुल गांधी का राज तिलक कराने वाली धरती पर नई जंग का आगाज हुआ। स्मृति ईरानी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्मृति ईरानी जी के आने के बाद में कार्यकर्ता में घर घर में जिस प्रकार की चर्चा शुरू हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी इस बार चुनाव यहां से हारेंगे। संपूर्ण अमेठी कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग सब के सब बहुत ही प्रसन्न हैं ईरानी का नाम आने से, स्मृति ईरानी का नाम। जिस अमेठी में घर घर जाकर विरासत का हवाला देकर अपने आप को एक बेटे की तरह प्रोजेक्ट करते आए हैं राहुल गांधी, वहाँ चुनौती अब एक बहू से भी मिलेगी और विश्वास के साथ अमेठी कूच कर चुके आपके कुमार विश्वास से भी मिलेगी, यानी मुकाबला अब त्रिकोणीय होगा। दस वर्ष से अमेठी की जनता को राहुल गांधी जी के प्रतिनिधित्व के माध्यम से विकास से वंचित रखा गया है। प्रश्न ये उठता है कि जो गांधी परिवार सत्ता में रहकर भी अमेठी का विकास नहीं कर पाया, अब वही कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है, तो उनके विपक्ष में रहते अमेठी का विकास कैसे होगा? तो विकास के मुद्दों को लेकर मैं अमेठी की रणभूमि पर उतरी हूँ और मुझे विश्वास है कि देश भर में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर है, विशेषतः अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल है और उसके चलते जनता का आशीर्वाद मैं और भारतीय जनता पार्टी करेंगे। वकीलों में कहा जाता है एक अच्छे वकील होते हैं, एक बड़े वकील होते हैं। अच्छे वकील होते हैं जो कानून जानते हैं, बड़े वकील वो होते हैं जो जज को जानते हैं। तो एक बड़ा राजनेता होता है, एक अच्छा राजनेता होता है। अच्छा राजनेता मतलब अमेठी एक पॉलिटिकल चैप्टर है, अगर आपको उस पॉलिटिकल चैप्टर को एड्रेस करना था तो आपके पास राजनाथ सिंह थे उत्तर प्रदेश में, आप उन्हें लड़ाते, आप पहले से लड़ाते। आपने पहले क्यों नहीं लड़ाया आज तक? आपने 25,000 वाले कैंडिडेट क्यों उतारे? आज जब राहुल विरोधी स्पेक्ट्रम एक साथ कोलाइड हो गया है कुमार विश्वास के पीछे, 4 महीने मैंने अपनी ज़िंदगी के लगा दिए हैं, चेहरा काला पड़ गया है, वज़न कम हो गया है, पहले ही कम था, थोड़ा और कम हो गया है, घर ले लिया है जहाँ सब लोग मेरे घर के आगे रहने लगे हैं, उस वक्त आप लास्ट मोमेंट पर एक अपने अभिनेता से राजनेता बनी एक जो कार्यकर्ता है उनका कैरियर चौपट करना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन इस त्रिकोणीय घमासान के बीच अमेठी के वोटर क्या सोचते हैं? अमेठी सीट पर स्टार वॉर को कैसे आंकते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी से स्मृति ईरानी मोदी का चुनावी मोहरा बनकर उतरी हैं, अटल को आइडल बताने वाली स्मृति ने टेलीविजन पर 8 साल तक राज किया, अपने किरदार में जितनी गंभीर असल जिंदगी में उतनी बेबाक, और उनकी इसी बेबाकी को सराहा गया जब वो सियासत में आई। अमेठी में एक महाकवि भी गरज रहे हैं, जी हाँ, कुमार विश्वास। खुद को आधुनिक कविता के महाकवि की तरह पेश करने वाले कुमार चुनावी रैलियों में इसी हुनर और विश्वास के भीड़ जुटाते हैं। मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं ये दिल्ली वाले, हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। जनता क्या सोचती है, अमेठी की इस जंग में कौन कितने पानी में जाएगा? अमेठी में अभी तक राहुल गांधी जीतते आए हैं, तो राहुल गांधी आते हैं इन इलाकों में आप लोगों को देखने के लिए? अभी कभी नहीं आए, कभी नहीं।
इस बार राहुल गांधी हैं, अब वो टीवी में काम करती हैं, स्मृति ईरानी वो हैं, साथ में कुमार विश्वास हैं, लग रहा है कि इलाके में अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए। हाँ हाँ, आवत हाँ यह है कि वो पार्टी नहीं आई, कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं आती। यहाँ पे तो सब लोग जिनसे पूछते हैं सब कहते हैं कि राहुल गांधी से दिल का रिश्ता है, तो बेटा है अमेठी का इसीलिए वोट देते हैं। हाँ। बेटा होने के लिए वोट देते हैं, बेटा आता है वापस? बेटा ही कब हमें सबका पहचानता ही नहीं ना, क्योंकि यहीं के नहीं, तू बतावा था बच्ची की बात है। यहाँ कब दर्शन ही नहीं ना दे। सब गुस्सा है राहुल गांधी से क्या? हाँ भैया। काहे के लिए? अरे काहे कहले, बतावा जाए, कुछ काम नहीं करे तो काहे। लेकिन आए हैं मिलने, मिलने आए होंगे? नहीं बच्चे अब मिले नहीं भैया। अमेठी ने नेहरू गांधी परिवार के 4 सदस्यों को संसद में पहुंचाया है। 1980 में अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता संजय गांधी के साथ शुरू हुआ था। बस 1998 में एक दफा वाजपेयी की लहर में एक साल के लिए टूटा, लेकिन अगले ही साल सोनिया गांधी के साथ फिर कायम हो गया। कभी राजीव गांधी यहां से 4 बार सांसद बने थे, इस साल राहुल तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। जो भी राहुल गांधी अमेठी के लिए कर सकता है वो राहुल गांधी दिल से करेगा। उनके दिल में इस क्षेत्र के लिए, अमेठी और उनके आसपास के क्षेत्र के लिए, आप सब के लिए एक खास जगह है, क्योंकि माता पिता की भी सेवा करते हैं, आप सब परिवार समान हो, उनको एक मौका दें। हमारी हमेशा पूरी कोशिश रही है कि पूरी तरह से विकास बना रहे। इसी तरह से राहुल जी को आप मौका देंगे तो आपके बल्दी राय ब्लॉक के लिए भी वे पूरी तरह से काम करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। राहुल ने ऐसा क्या काम किया है जो अमेठी की जनता खुश हो? देखिए राहुल गांधी ने अगर माना जाए तो काम तो कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम के आधार पर अगर वोटिंग हो तो राहुल गांधी ने काम कम किया है। लेकिन राहुल गांधी को वोट होता है इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। जब उस विकास को लोग देखते हैं तो एक बार फिर गांधी परिवार को लोग वोट दे देना चाहते हैं। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। गांधी परिवार से अमेठी का रिश्ता दशकों पुराना है। कहते हैं जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो मिलना मिलाना कुछ कम हो जाता है। रिश्तों की इसी दूरी का फायदा उठाया कुमार विश्वास ने। जिस दिन से नाम का ऐलान हुआ उस दिन से अमेठी में आकर डट गए और गांव-गांव घूमते रहे। राहुल गांधी आते थे कभी यहां पर? सबसे अपने पूछिए, आप इन लोगों से पूछिए, कभी राहुल गांधी आया आपके? कभी नहीं आया। यही इको आती है, पता नहीं मिल किससे गए, वो मुंशीगंज के गेस्ट हाउस में किन लोगों से मिलके निकल गए 10 साल में। मैं 850 गांव में पहला सवाल ये पूछता हूं, भैया आपके यहां कभी राहुल गांधी आए? लोग कहते नहीं भैया कभी नहीं आए। लोग कहते हैं साहब दो ही चीजों से बहुत दुखिया है साहब, एक नील गाय और एक राहुल गांधी, ये दो ही चर गए साहब। एक अमेठी चर गए रहे, एक खेत चर गए। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। और सुना, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। परसों से सुन रहा हूं, हमें अमेठी के लोग बहुत प्यार करते हैं, अमेठी के भी लोग कुछ कह रहे हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। अब मैं प्यार बता रहा हूं कैसा करते हैं, आप अपनी तालियों से बताना। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं अमेठी का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। कुमार विश्वास अमेठी में खूंटा गाड़ कर बैठे हैं। बीजेपी पर भी जमकर बरसने वाले कुमार विश्वास के सामने अब स्मृति ईरानी भी होंगी। सवाल ये कि स्मृति ईरानी कुमार विश्वास से 19 है या 21? मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे ये चुनौती भरे वातावरण में उतारा है। मैं इतना ही कहूंगी, पार्टी ने मेरी क्षमता पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं आभारी हूं, और मेरी जितनी क्षमता है और नेतृत्व का जितना आशीर्वाद है और संगठन की जो शक्ति है अमेठी में, उसके माध्यम से हम लोग भरपूर लड़ेंगे भी और विजय भी प्राप्त करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के गढ़ में तीसरा कोना भी ताकतवर हो चुका है कांग्रेस के लिए। गारंटी की जीत माने जाने वाली अमेठी सीट पर ऐसी चुनावी चुनौती की कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी।
उत्तर प्रदेश का अलसाया हुआ ये इलाका मानो अपनी राजनीति से पूरी तरीके से बेखबर है। दरअसल इस इलाके से सिर्फ दो दफा ऐसा हुआ है कि नेहरू गांधी परिवार से अलग कोई और संसद में पहुंचा हो, और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कोई गैर कांग्रेसी यहां से चुना गया हो। अमेठी की मौजूदा तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। ट्रकों का लंबा जाम तो कहीं सड़कों से नहीं बल्कि गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। तो राहुल गांधी का उधर चुनाव क्षेत्र, तो हम लोग को तो लग रहा था कि यहाँ पर रास्ता अच्छा होना चाहिए था। अरे सर, ऊपर से आते आते जाते जाएंगे राहुल गांधी ना, वो तो हवाई जहाज से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो नीचे थोड़ा आते जाएंगे। और राहुल गांधी अस्पताल में जाते हैं, मुंशीगंज में घुमा दिया जाता है राहुल अभी। अच्छा, इस रास्ते से नहीं जाता है मंत्री लोगों का रास्ता, ये नहीं है? नहीं है, मंत्री लोगों को सीधा जो रास्ता सही होगा उससे घुमा देंगे। ये रास्ता मेन रोड से नहीं लाते उन्हें, कभी नहीं लाते। बात ये है कि जहाँ आप खड़ी हैं, ये अमेठी क्षेत्र लगता है, ये अमेठी जिला है, ये राजीव गांधी का ही क्षेत्र है। राजीव गांधी को नहीं देखना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को पैसे दे दिए, ये ले जाओ पूरे रोड को अच्छी तरह से कर लेना। क्या क्या हम लोग ट्रक वाले पागल हैं? किसी का पटा तोड़ता है, किसी का सापट तोड़ता है, इसका कौन बनवा रहा है? हम लोग परेशान होते हैं, चार चार दिन खाना नहीं मिलता इसी जाम। सच कहे तो अमेठी उत्तर प्रदेश के किसी आम कस्बे की तरह नजर आता है। राजीव गांधी के कार्यकाल में अमेठी में कई बार भारी उद्योग लगाए गए, लेकिन मौजूदा तस्वीर न प्रभावित करती है न उत्साहित। राहुल गांधी के होते हुए अमेठी को फायदा कितना मिलता है? राहुल गांधी के होते हुए अमेठी के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो यहाँ पे हम लोगों की आम आदमी है, जो हम लोग उम्मीद करते हैं, इस समय कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं पिछले 10 सालों में, उसका कोई फायदा जमीन पे आ नहीं रहा। न हमें यहाँ पे अच्छे ढंग से सड़कें मिल रही हैं, न हमें अच्छे ढंग से यहाँ पेयजल व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की बात है अच्छे ढंग से। उनके कमिटमेंट और उनके दावे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन जमीन पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो यहाँ का बेटा ही माना जाता है, चार पीढ़ियाँ नेहरू गांधी परिवार की यहाँ पर दिखी हैं, और इस बार क्या वजह ऐसी लग रही है कि राहुल गांधी को थोड़ा घबराना भी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ना तो राहुल गांधी ने युवाओं के लिए कुछ किया, घोषणा इतनी बड़ी करते हैं युवाओं के लिए, युवाओं को यहाँ मिलने का उनको अवसर नहीं दिया जाता है। अगर वो आते हैं तो अपनी बात उनसे कह नहीं सकते। राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र को देखकर लगता है कि नाम पर काम हावी है। आइए अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिससे अमेठी के विकास की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाए। जी हाँ, इंडिया टुडे ग्रुप ने 373 सांसदों का एक सर्वे किया, जिसमें उनके काम, संसद में उनकी मौजूदगी के अलावा उनके सांसद निधि के खर्च को आंका गया। आइए देखते हैं राहुल गांधी उसमें कहाँ आते हैं। तो सुनिए, राहुल गांधी को 373 सांसदों के सर्वे में 355वें पायदान पर पाया गया। राहुल को काम के लिए 10 में से 3.5 अंक मिले हैं, जबकि लोकसभा में उनकी हाजिरी रही है 43%। लोकसभा में उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। राहुल ने अपने संसदीय कोटे से 10 करोड़ रुपए यानी 54% रकम अपने संसदीय क्षेत्र पर खर्च की है। दो तरह की पीढ़ी है देखिए, एक पीढ़ी वो है जो राजीव जी के समय में जवान थी, वो पीढ़ी इस समय 60 के आसपास पहुंच गई है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रहता है। लेकिन एक पूरी नीचे की पीढ़ी है जो 18 के बाद की है, वो बहुत आक्रोश में है, वो इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे होते परिवर्तनों को देख रही है, वो राष्ट्रीय राजनीति को देख रही है, वो मुझसे परिचित है। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरी पोइट्री है, मेरी कविता है, वो सबके मोबाइल में यहाँ है, लड़कों के एक एक घंटे का सॉफ्टवेयर उनके पास है, वो सुनते रहें अपने 1100 रुपये के फ़ोन में, वो बड़े कन्विंसिंग है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। आज की डेट में हमारे पास लगभग 22,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो किसी के पास नहीं होते। और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन टोटल हुआ है ऑनलाइन होकर जाकर, वो करीब 2.5-3 लाख लोगों ने हमसे पर्चियाँ कटवाई हैं। तो अगर इस इलाके में जो हमने अपने डेटा डाला भी है, तो 2.5-3 लाख अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लोकसभा पर आपके पास आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, तो बाकी काम करने में ज्यादा गरीब प्रॉब्लम नहीं है। रिश्तों की राजनीति में विकास का आईना धुंधला नजर आता है, तो भावनाओं के चश्मे से देखने वाले मतदाताओं की सोच में बदलाव का वक्त आ गया है, या फिर ये रीति स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास के चीखने चिल्लाने के बाद भी कायम रहेगी। छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय बहू, भारतीय सियासत का सबसे लाडला बेटा, और अपने ही शब्दों में हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय कवि, कैसा होगा अमेठी में मुकाबला, देखना बेहद दिलचस्प होगा। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।